मूवी है एक बहुत ही ज्यादा जीनियस लड़की के बारे में जिसका नाम होता है लिन। उसके इंटेलिजेंस की वजह से उसके फादर भी उसे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं और वो उसका एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में करवाना चाहते थे। लेकिन जब वो लोग स्कूल में जाते हैं तो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस इन्हें बताती हैं कि स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है, क्या आप लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पर लिन बात करना स्टार्ट करती है तो उसकी बातों से और उसके कैलकुलेशन से वो हेड मिस्ट्रेस भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और तो और उसे स्कूल में फ्री एडमिशन दे देती है। अब स्कूल में आते ही लिन की दोस्ती एक और लड़की के साथ हो जाती है, लेकिन वो लिन की तरह इंटेलिजेंट नहीं होती। लिन उसे मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करवाया करती थी। जल्दी इनका एग्जाम आ जाता है जिसमें लिन पूरे पॉइंट्स लेती है और उसकी दोस्त अच्छे पॉइंट्स लेती है लेकिन थोड़े से कम होते हैं। हालांकि उसे एग्जाम में कुछ भी नहीं आता था लेकिन लिन ने उसकी हेल्प की थी तो ये दोनों फ्रेंड्स बहुत खुश होती है। उसके बाद लिन और उसकी दोस्त लिन की दोस्त के दोस्त की ऑर्गेनाइज की गई पार्टी में जाते हैं तो बातों बातों में लिन को पता चलता है कि बेशक उसे फ्री स्कॉलरशिप मिली है यानी उसका एडमिशन फ्री हुआ है लेकिन कुछ फंड्स थे जो कि उसके फादर ने पे किए हैं। लिन वहाँ से जब अपने घर जाके रसीद देखती है तो उसे पता चलता है कि वाकई उसके फादर ने 2 लाख सिर्फ फंड्स ही पे किए होते हैं। तो लिन ये देख के रोने लगती है और वो अपने फादर से कहती है कि डैडी इतने महंगे स्कूल में दाखिला करवाने की क्या जरूरत थी। तो उसके फादर उसे कहते हैं तुम्हारे फ्यूचर से ज्यादा मेरे लिए अहम कुछ भी नहीं, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब जल्द ही लिन की मदर की बर्थडे होती है तो वो उनको याद करते हुए पियानो बजाने लगती है क्योंकि वो उनके पास नहीं होती। तभी लिन को एक आइडिया आता है कि उसकी क्लास के जो बच्चे हैं वो उसकी तरह इंटेलिजेंट नहीं है और एग्जाम में भी वो हमेशा फेल होते हैं तो क्यों ना इस बार मैं उनकी मदद करूं। तो वो उन सब लोगों को बुलाती है और उन्हें कहती है ये देखो जैसे मैं पियानो प्ले कर रही हूं, इन उंगलियों के इशारों को याद रखना, अगर मैं इस तरह से अपनी फिंगर्स करूं तो इसका ऑप्शन ए होगा, इस तरह से करूं तो बी या सी या डी होगा। तो सब बच्चे उसकी उंगलियों के इशारों को याद रख लेते हैं। जब एग्जाम्स आते हैं तो लिन अपनी उंगलियों के इशारे से ही एग्जाम्स में उनकी मदद करती है, इस तरह से वो क्लास बहुत अच्छे मार्क्स लेने लगती है। जब इन एग्जाम्स का रिजल्ट आता है तो इसके क्लास का रिजल्ट टॉप पर होता है और इसी क्लास में जिसने टॉप किया होता है वो जाहिर सी बात है कि लिन ही होती है और जो बच्चा सेकंड पर आया होता है उसका नाम होता है बैंक। वो दोनों अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं जिसका नाम होता है टीन जीनियस। तो क्योंकि बैंक भी बहुत इंटेलिजेंट होता है तो ये दोनों ही कंपटीशन जीत जाते हैं तो हेड मिस्ट्रेस और बाकी सब इनसे काफी खुश होते हैं। तो हेड मिस्ट्रेस इनसे कहती है कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे हैं लेकिन लिंक और बैंक मैं तुम दोनों से बहुत इम्प्रेस हुई हूँ, तुम दोनों ने तो हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया है तो मैं तुम दोनों को एक अपॉर्चुनिटी दे सकती हूँ। लेकिन एक बात ये है कि तुम दोनों में से कोई एक ही उसको अवेल कर सकता है और वो ये कि तुम लोग सिंगापुर जाकर स्कॉलरशिप पर पढ़ सकते हो यानी बिल्कुल फ्री। तो देख लो कि तुम दोनों में से कौन ऐसा है जो उसको डिजर्व करता है। यहाँ पर हमें बैंक की फैमिली के बारे में पता चलता है जो कि बहुत पुअर होती है तो बैंक इसीलिए बहुत मेहनत किया करता था ताकि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सके। तभी बैंक के पास एक लड़का आता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बुक चाहिए, तुम काफी अच्छे नोट्स बनाते हो। तो बैंक उसे कहता है सॉरी मुझे खुद पढ़ना है। तो वो लड़का गलती से ये कह देता है कि तुम तो किसी की मदद नहीं करते, लिन तो हमारी बहुत मदद करती है और हमारे एग्जाम में भी मदद करती है। उसको ऐसा कहना तो नहीं चाहिए था लेकिन उसके मुंह से निकल जाता है तो ये बात बैंक को बहुत बुरी लगती है और जब एग्जाम स्टार्ट होता है तो इस चीज को नोट करने लगता है लिन वाकई ऐसा कर रही है। अब एग्जाम शुरू होता है तो उन सब बच्चों को पेपर दे दिया जाता है, कुछ सेट 1 होते हैं और कुछ सेट 2 यानी वो दोनों सेट चेंज होते हैं। अब लिन के पास सेट 1 आया था तो वो सबको इशारे से बताती है कि मेरे पास सेट 1 है। तो अब जिन बच्चों का सेट 1 था सिर्फ वही बच्चे लिन से मदद ले सकते थे और बाकी बेचारे फेल ही होंगे। अब जब लिन उनकी हेल्प करना स्टार्ट करती है तो बैंक ये नोटिस कर रहा होता है, वो फौरन से जाकर इन्विजिलेटर को बताता है। इन्विजिलेटर उसे कहता है अच्छा मैं देख लूंगा आप तो बैठो। अब ये सब लोग एग्जाम दे के बाहर आते हैं तभी हेड मिस्ट्रेस लिन को अपने ऑफिस में बुलाती है। जब लिन अंदर जाती है तो देखती है कि बैंक वहाँ पर पहले से ही है यानी उसने हेड मिस्ट्रेस को भी कम्प्लेन कर दी होती है। हेड मिस्ट्रेस उसे पूछती है तो आप चीटिंग करवाती आ रही है। तो लिन यहाँ पर घबरा जाती है। तभी लिन के फादर को भी कॉल कर ली जाती है और उन्हें कहा जाता है कि आपकी बेटी सब कुछ चीटिंग करवाती आ रही है, क्या इसलिए हमने इसे स्कूल में एडमिशन दिया था। उसके फादर को बहुत बातें सुनाती हैं तो लिन से ये सुना नहीं चाहता और वो हेडमिस्ट्रेस से कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आपने जो कहना है मुझे कहें, आप मेरे फादर से क्यों कह रही हैं। तो हेडमिस्ट्रेस को गुस्सा आ जाता है, लिन को इसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि अब उसका सिंगापुर जाने वाला चांस खत्म हो चुका था
और जिस बात का डर था वही होता है। हेडमिस्ट्रेस यही कहती है कि वो एक शर्ट पर लिन को स्कूल से नहीं निकालेंगी, फिर उसने स्कूल में पढ़ना भी है तो बिना प्रोटोकॉल के पढ़ेगी और इसे अब सिंगापुर भी नहीं भेजा जाएगा। तो लिन कहती है ठीक है मत भेजें, और वहाँ से घर आ जाती है। घर जाकर भी लिन को अपने फादर से बहुत डांट पड़ती है। अभी लिन को उसके फ्रेंड की कॉल आती है जो उसे एक होटल में बुलाती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इनफैक्ट ये जो मेरा दोस्त है इसके फादर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अब उस लड़के के फादर लिन से बात करने लगते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरा बेटा एक एग्जाम पास करे तो तुम्हें इनकी मदद करनी होगी। इनफैक्ट यहाँ पर वो लड़का और लिन की दोस्त दोनों एग्जाम देने वाले होते हैं जिसको पास करने के बहुत फायदे होते हैं, लेकिन वो खुद से कभी भी उस एग्जाम को पास ना कर पाते, इसलिए उन्होंने लिन को बुलाया ताकि उनकी मदद कर सके और इसके बदले में उसे 6 लाख दिए जाएंगे। लेकिन लिन अब ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि पहले उसकी काफी इंसल्ट हो चुकी थी, तो उनको सॉरी कहते हुए आ जाती है। लेकिन लिन जैसे होटल से बाहर जा रही होती है तो वहाँ पर लगी हुई घड़ियों को देखती है जिसके डिफरेंट टाइम जोन होते हैं, यानी हर कंट्री में डिफरेंट टाइम हो रहा होता है। तो तभी उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक होता है, जो इंटरनेशनल एग्जाम उसकी दोस्त और वो लड़का देने जा रहे थे वो पूरी दुनिया में एक ही टाइम पर होना था। जाहिर है दुनिया की हर कंट्री का अलग टाइम होता है, तो जिस कंट्री में सबसे पहले एग्जाम होगा हम वहाँ के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स देख सकते हैं क्योंकि पेपर तो सेम होगा ना, और बाद में आंसर्स को कॉपी करके वो लोग अपना एग्जाम दे सकते हैं। अब ये बात लिन जाकर उन दोनों को बताती है तो वो डिसाइड करते हैं कि हम बैंक की भी मदद लेंगे। तो लिन कहती है कि इसके लिए मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी और वहाँ पर ये एग्जाम दूंगी, तो जो जो क्वेश्चंस आएंगे तुम्हें याद रख के तुम्हें घर आते ही मैसेज कर दूंगी ताकि तुम लोग उसकी तैयारी करके अपना एग्जाम दे दो। तो वो सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये आइडिया काफी जबरदस्त होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम बैंक को देखते हैं जिसे कुछ लड़के मारते हैं, एक कॉर्नर में फेंक देते हैं। अब इधर ये सारे लोग अपना प्लान बना रहे होते हैं कि इंटरनेशनल एग्जाम में किस तरह से चीटिंग करनी है। वो उन सब बच्चों से कॉन्टेक्ट करने लगते हैं जिन्होंने वो इंटरनेशनल एग्जाम देना होता है। वो उनके ग्रुप बनाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर आपको एग्जाम में मदद चाहिए तो इसके लिए हमें थोड़े से पैसे दें, और ये उस एग्जाम में पास होने के बदले में कुछ भी नहीं। तो सब बच्चे मान जाते हैं और उनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। अब वो अमीर लड़का यानी जिसका बाप बहुत अमीर होता है और अपनी बेटी को इस एग्जाम में पास करवाना चाहता था, तो वो लड़का सब बच्चों को बताने लगता है तो मेरी बात गौर से सुनिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ आप 4 चीजें ही लेकर जा सकते हैं, आपका पासपोर्ट, एग्जाम पेपर, आपकी पेंसिल और एक इरेजर। तो सवाल उठता है कि आप लोग चीटिंग कैसे करेंगे। तो ये कि बैंक और लिन ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और वहाँ से एग्जाम के क्वेश्चन याद कर लेंगे, लेकिन ये सारे बच्चों को तो टेक्स्ट मैसेज नहीं कर सकते, तो इसलिए ये प्लान करते हैं कि जैसे पेंसिल के ऊपर एक बार कोड होता है तो उसी तरह से ये फौरन से अपने आंसर्स को प्रिंट करवाएंगे। वो बार कोड इस तरह से प्रिंट होगा, जो कि बार कोड में सबसे मोटी लाइन होती है वो ए होगा, उससे पतली लाइन बी, उससे पतली सी और सबसे पतली लाइन डी। तो सीक्वेंस वाइज इसी तरह ये लाइंस होंगी, हर लाइन की विड्थ उसके आंसर के मुताबिक होगी। तो ये बार कोड का प्रिंट वो पेंसिल्स के ऊपर पेस्ट कर देंगे और ये सारी पेंसिल्स उन सब स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम अपने पहले वाली प्लान पर अमल करेंगे, यानी उसको फॉलो करेंगे जो कि लिन ने कहा था कि इस एग्जाम में 3 ब्रेक्स होती हैं। तो एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद जब फर्स्ट ब्रेक होगी तो मैं वॉशरूम में जाके सब बच्चों को या अपनी दोस्त और उसके दोस्त को आंसर्स फॉरवर्ड कर दूंगी। तो वो ऐसा ही करती है। पहली और दूसरी ब्रेक में लिन और बैंक ऐसा कर लेते हैं, लेकिन तभी जब थर्ड ब्रेक होती है तो बैंक वॉशरूम में बहुत ज्यादा देर लगाता है। तो वहाँ पर एग्जामिनर आ जाता है और तेजी से दरवाजा खोलता है क्योंकि उसे डाउट हो गया था कि बैंक बार बार वॉशरूम जा रहा है। बैंक के हाथ से मोबाइल गिरकर टूट जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है। दूसरी तरफ लिन भी वॉशरूम में नहीं जा पाती क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब वो एग्जामिनेशन हॉल में वापस आती है तो ये देख के घबरा जाती है कि बैंक भी वहाँ पर नहीं होता, यानी जरूर कोई ना कोई गड़बड़ थी। अब पेपर का थर्ड सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन लिन को समझ नहीं आ रहा होता कि वो आखिरी सेक्शन के आंसर्स कैसे शेयर करेगी। तो उनको पेपर के साइड पर लिखकर याद कर लेती है, अपने मुंह में पेंसिल देकर वॉमिटिंग करती है। ये उसका बाहर जाने के लिए एक बहाना होता है। वो वहाँ से वॉशरूम चली जाती है ये कहते हुए कि मेरी तबीयत खराब हो रही है और मैं एग्जाम नहीं दे सकती, कि तभी वही एग्जामिनर उसके पीछे आता है। वो ऑस्ट्रेलियन होता है क्योंकि जाहिर है ये लोग ऑस्ट्रेलिया में थे और यहाँ के रूल्स काफी सख्त थे। तो वो उसे कहता है सॉरी मैम, यू हैव टू कम बैक, यू शुड टेक योर एग्जाम, यानी आपको वापिस आकर अपना बाकी पेपर करना होगा। तो लिन कहती है मेरी तबीयत नहीं ठीक,
मैं नहीं आना चाहती और मुझे एग्जाम भी नहीं देना, लेकिन वो एग्जामिनर उसे जबरदस्ती ले जाता है। तो लिन जाते जाते अपने सेलफोन किसी और के बैग में डाल देती है, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि वो उसके आंसर्स पहले ही टेक्स्ट कर चुकी थी। जब वो वहाँ पर वापस आती है तो देखती है कि बैंक बैठा होता है और वहाँ के स्टाफ को पता चल चुका था कि लिन और बैंक एक ही स्कूल के स्टूडेंट है, तो इनको इन दोनों पर बराबर का शक था, इसीलिए लिन को भी बुलाया गया था। लेकिन तब तक बैंक बोल देता है कि लिन का इसमें कोई हाथ नहीं। लिन अब वहाँ से वापस अपने कंट्री यानी थाईलैंड आ जाती है, तो उसकी दोस्त उसका वेलकम करती है, लेकिन यहाँ पर लिन काफी ज्यादा परेशान होती है। वो वहाँ अपने फादर से भी मिलती है, लेकिन उनको गले लगाकर बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि उसे बैंक की टेंशन हो रही होती है। काफी दिनों के बाद जब ऐसे ही वो बैंक के घर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर स्पोर्ट्स बाइक है और साथ ही साथ काफी महंगी महंगी चीजें भी हैं, जिसे देखकर उसे समझ नहीं आता कि ये यहाँ पर कौन लाया। तभी उसे बैंक नजर आता है जो उसे बताता है कि फिक्र नहीं करो, मैं वापस आ गया था, इतना भी कोई बड़ा मसला नहीं था और ये सब चीजें मैंने वहीं से मिलने वाले पैसों से ली हैं। वो उसे एक नोटिस दिखाता है कि देखो एक और इंटरनेशनल एग्जाम आ रहा है, तो क्या ख्याल है हम इससे भी काफी पैसे कमा सकते हैं। तो लिन कहती है नहीं बैंक, अब नहीं, हमने बहुत गलत काम कर लिया। तो बैंक उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं सब कुछ बता दूंगा कि तुम भी मेरे साथ मिली हुई थी। लेकिन लिन उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। और मूवी के लास्ट सीन में हम ये देखते हैं कि लिन किसी ऑफिसर के सामने बैठी होती है और उन्हें ये बता रही होती है कि मैंने उस इंटरनेशनल एग्जाम में चीटिंग करवाई थी और किस किस तरह से और कब कब करवाई वो सारा कुछ बताती है। यानी उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली होती है, जिसके लिए वो शर्मिंदा भी थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है।